नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक बेड वार्मर के बारे में हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए और हमें ये लेना चाहिए या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा हीटिंग बेड वार्मर जिसे मैंने काफ़ी साल पहले होमसोम 18 से लिया था, लगभग 10-11 साल पहले, और ये अभी तक भी बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। कोई शिकायत मुझे इससे नहीं है क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करने में काफ़ी सावधानी रखती हूँ। क्या क्या सावधानी हम रखेंगे ये भी मैं बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं पहले ये किस तरह की पैकिंग में आया था। तो ये इस तरह के बैग में आया था और मैं यूज़ करने के बाद हर साल इसे वापस ऐसे ही रख देती हूँ। और ये इसके साथ एक बेड शीट आई थी, ये वाटरप्रूफ है लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास दूसरी वाटरप्रूफ बेड शीट है, मैं वो इस पर डाल लेती हूँ। ये इसके साथ है कि क्या क्या हमें सावधानियाँ से रखनी चाहिए इस्तेमाल करते वक्त, तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ। तो इसमें हमें 5 बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, जब चटाई का इस्तेमाल में हम लाएँ तभी चटाई का प्लग जो है हम बिजली के स्विच में लगाएं। नंबर 2, चटाई को मशीन में ना धोएं। नंबर 3, चटाई को तह लगाकर इस्तेमाल ना करें। और नंबर 4 है, चटाई के ऊपर नोकीली चीज का इस्तेमाल ना करें। और नंबर 5 है, प्रभावी गर्मी पाने के लिए चटाई के ऊपर चादर बिछाकर इसका उपयोग करें। और ये इसका ऊपर का रैपर है, इस पर लिखा हुआ है कि ये किस कंपनी का है और कितनी वोल्टेज पे ये चलता है और किस तरह से ये काम करता है, पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। ये कोरिया का है। तो चलिए अब मैं आपको इसे बिछा के दिखा देती हूँ। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, मरीज है या आपके बच्चे हैं तो आपको ये अवश्य लेना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल है। रूम हीटर की बजाय आप इसे ले सकते हैं और इसमें एक बल्ब के बराबर ही बिजली फूकती है। ये डबल बेड का है मेरा, तो ये 3000 रुपये का है। आपके बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे लेने से, लेकिन आप अगर रूम हीटर लेंगे तो वो बहुत ही बिजली खाता है और बहुत महंगा आपको पड़ेगा। तो मैं इसे बिछा लेती हूँ और हम इसे किधर से भी बिछा सकते हैं, ये नहीं कि एक ही साइड से बिछाना है, मैं इसे किसी भी बिछा लूँगी। बस हमें ध्यान रखना है जो इसका वायर है ये हमें बोर्ड की तरफ रखना है क्योंकि हमें इसे बोर्ड में लगाना है और ज़्यादा लंबा वायर इसका नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे बिछा दिया ठीक से और मैं इसका वायर इसमें लगा देती हूँ। पास ही है मेरा बैग, 1.5 मीटर की लंबाई है वैसे इसके वायर की, तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। और इसके ऊपर हमें बेडशीट अवश्य बिछानी है, आप चाहे जो भी बेडशीट ले लें, अगर आपके घर में बच्चे हैं या कुछ है तो आप वाटरप्रूफ ले लें, वरना आप सिंपल बेडशीट भी इसे बिछा सकते हैं। और बच्चों को ध्यान रखें, उनके हाथ में कोई नुकीली चीज़ वगैरह ना दें जो बच्चे इसमें दे दें, और कोई लिक्विड वगैरह ना डालें, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हम इसके ऊपर चादर बिछा देंगे। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें इसके ऊपर बेडशीट बिछाना ज़रूरी है ताकि ये ना सके, अच्छे से हम इसे दबा के बिछा लेंगे। तो मैंने बेडशीट बिछा ली है, अब मैं आपको ये देखिए, और ये हमारा रिमोट है इसका, इससे हम इसे कंट्रोल करेंगे। मैं इसे आपको चलाना बताऊंगी कि हम इसे कैसे चलाएंगे। तो बेडशीट हमने बिछा ली है और ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कितनी वोल्टेज का ये है और तो कितनी पे चलेगा। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये देखिए मैं इसे इधर से घुमाऊँगी और तो ये ऑन हो जाएगा और इधर से ही वापस घुमाने पे ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये मैंने ऑन कर लिया है और ये देखिए इसके पावर पॉइंट है कि हम कितना इसे गर्म रखना चाहते हैं। तो ये 7 पॉइंट तक गर्म हो सकता है, देखिए 4, 5, 6, 7, जितना चाहे आप इसे गर्म कर लें। लेकिन मैं इसे 2 पे ही चलाती हूँ, जब ज़्यादा सर्दी हो तो 4 पे चला लेती हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मैं इसे 2 पर चला लेती हूँ। पूरी रात हम इसे 2 पॉइंट पर चला सकते हैं, वो काफ़ी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप 4-5 पे चला लें, वरना 2 पे काफ़ी होता है। और मैं इसी से ही इसे इस तरह से घुमा के हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे चलाना। देखिए इस तरह से आप इसे घुमाएंगे तो इसकी गर्मी बढ़ जाएगी। ये इसका रिमोट है, इधर से ही कम कर सकते हैं वापस इसे घुमा कर, और इसी से घुमा के हम इसे ऑफ हो या ऑन कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से चलाना है और बहुत ही अच्छा है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जैसा कि दिखाते हैं, कोई करंट आने का डर नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है जो इसमें बताया है, और अगर आपका ये गंदा हो गया है तो उसे धोने के लिए आप ऐसा करें, एक प्लंग पर इसे बिछा लें, फोल्डिंग प्लंग पर या कोई चारपाई पर जिसका पानी नीचे गिर जाए, और जहाँ से आपका गंदा है वहीं से आप इसे धो लें, हाथ से रगड़ के धोएं, मशीन में ना सुखाएं, और जब ये सूख जाए तब आप इसे यूज करें, पूरी तरह सूख जाइए। और गलती से अगर पानी वगैरह इस पर गिर जाता है तो आप इसे पूरी तरह से धूप में सुखा लें फिर इस्तेमाल करें। और आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया है अमेजोन का, वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं, आप इसे खरीद लें, वैल्यू फॉर मनी है।
और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।